हेलो फ्रेंड्स, आई मीन कौशल वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारा सॉइल का जो लास्ट सॉइल है वो कौन सी है, डेजर्ट और सैंडी सॉइल। ठीक है, इसके नाम से ही पता लगता है क्या है ये। डेजर्ट्स मीन्स मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी, इसको आप कह सकते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मरुस्थल वाली जगह पर पाई जाती है। बट अब कहते हैं ना कि जैसे आपने अभी बहुत सारी मिट्टी के बारे में पढ़ा है कि कौन सी पहाड़ों पे होती है, कौन सी कैसी जगह पर होती है, लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है ना, तो बारिश के साथ बहकर मिट्टी इधर से उधर दूसरी जगह पर भी पहुँच जाती है। तो सिर्फ ये कहना कि वहीं पर ही है क्योंकि उसकी बारिश के साथ वो बह के दूसरी जगह पर भी पहुंच जाती हैं, तो उसके कुछ मिट्टियाँ जो हैं दूसरी जगह पर भी हमें मिल जाती हैं। ठीक है, कोई एक जगह की मिट्टी ही नहीं होती, वहाँ पर दूसरी जगह से नदियों के द्वारा या बारिश से बहकर पानी के साथ भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ हर तरह की सॉइल के लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आज हम डेजर्ट और सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मरुस्थली मिट्टी मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो ये मरुस्थली मिट्टी होती है कम वर्षा वाले शुष्क जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें भी मिलती है, और मैक्सिमम तो ये वैसे मरुस्थल वाली जगह पर मिलती है, बट ये ना बारिश के साथ बह के ये दूसरी जगह में भी पहुंच जाती है। और इसमें भी वही ह्यूमस का जो है ना कि उसकी क्वान्टिटी इसमें कम रहती है काफ़ी ज़्यादा, और ये मोटे अनाज के लिए इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा तिलहन जैसे। ठीक है, तो चलिए बुक्स में इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फीचर्स इसके, डेजर्ट सॉइल इज़ द लीस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जो डेजर्ट सॉइल है वो सबसे कम फर्टाइल सॉइल है, बहुत कम उपजाऊ है। ठीक है, क्यों है, देखो इट इज़ कोर्स एंड पोरस एंड कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर। क्योंकि जो आप ये दिखा ना कोर्स एंड पोरस, कोर्स का क्या मतलब होता है, रफ़ चीज़ जो होती है जैसे खुरदरा होता है ना थोड़ा सा कि रफ़ी सा होता है, उस तरह की ये होती है। और पोरस, पोरस मतलब ये हैविंग स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स दैट अलाउ वाटर और एयर टू पास थ्रू स्लोली, मीन्स कि इसमें जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इतने बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं कि उनमें भी छेद होता है एक तरह से, मतलब छोटे छोटे हल्के हल्के, जिस वजह से जो एयर होती हैं वो इसके और पानी जो होता है वो इसके मतलब पास हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है एंड कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर। जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन इस वजह से इसमें मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती हैं। इट इज़ लाइट इन कलर, थोड़ा सा इसका कलर लाइट होता है। इट इज़ सैंडी विथ सम क्ले, ये थोड़ी सी सैंडी होती हैं और कुछ हल्की सी चिपचिपी भी होती हैं। ठीक है, क्ले मीन्स थोड़ा सा हल्की सी मोटी चिपचिपी। ओके, ये पिक देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है कि डेट पाल्म ग्रो होते हैं सैंडी सॉइल में। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। स्टेट्स कौन कौन से इसमें आती है, डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन प्लेस वेयर देयर इज अ लिटल रेन, ये कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। एंड दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पर पाई जाती है, एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड गुजरात, अब पंजाब हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती हैं। और यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स होती हैं, विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। ठीक है, कुछ मतलब इससे यहाँ पे उगाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेट पाम, जैसे कि हमने पिक में देखा ना, पिक्स में अभी खजूर बार्ले जौ मिलेट्स मेज क्राउननट एंड चिली। ठीक है, वही है बाजरा मक्का मूंगफली और चिली, ये इसके अंदर यहाँ पे उगाई जाती है। ओके, सी देखिए मैप में देखते हैं, येलो हमारा किस चीज़ के लिए है, डेजर्ट के लिए। तो इस पूरे मैप में अगर आप देखेंगे तो हमारा सिर्फ राजस्थान का कुछ पार्ट इसमें शो किया गया है जहाँ पर हमें डेजर्ट सॉयल, ठीक है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बहुत कम पार्ट है, सिर्फ राजस्थान का ही है। ठीक है, थार ऑफ डेजर्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बाकी पंजाब हरियाणा गुजरात के भी कुछ हिस्से इसमें आते हैं, इसमें शो नहीं किया गया है क्योंकि बहुत हल्के हिस्से उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉयल का कि कितने तरह के सिक्स मेन टाइप्स ऑफ सॉयल्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कौन कौन सी थी हमारी सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, जो हमने आज डिस्कस किया है।
तो ये हमारा जो सॉयल कितने टाइप्स थे वो अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें बहुत अच्छा आगे नॉलेज आपको मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा है, किसी एक ठीक है, किसी स्कूल की या किसी क्लास की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, बट ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, नॉलेज तो कोई भी गेन कर सकता है। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और कोई प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और मेरी वीडियो को भी लाइक करेगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग।